हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव once over the level a playground, find the area of playground in meter square। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। इसमें क्या दिया है ध्यान से फिर से देखिए, एक रोलर दिया है और रोलर का डायमीटर यहाँ पे कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, रोलर का डायमीटर कितना दिया है, 84 सेंटीमीटर दिया है। और यहाँ पे इट्स लेंथ ऑफ द रोलर इसका कितना दिया है, लेंथ मतलब हाइट, चूँकि हम इतना है 120 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 120 सेंटीमीटर उसकी हाइट हो गई। ठीक है, अब बोल रहा है इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन। अगर ये 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन करती है तो आपको ये बताना है कि अगर वो पूरा कंप्लीट करती है, 500 रिवोल्यूशन वो पूरा करती है तो कितना प्लेग्राउंड या कितनी एरिया कवर करती है, उसको मीटर स्क्वायर में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसको कैसे करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है डायमीटर ऑफ ए रोलर, डी बराबर हमारे पास गिवन है, डी बराबर है 84 सेंटीमीटर। ओके, 84 सेंटीमीटर। ठीक, जब रोलर का डायमीटर दिया है तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। क्लियर, और लेंथ ऑफ द रोलर दिया है, जो लेंथ ऑफ रोलर है दैट मीन्स को हाइट हम मान लें, रोलर की लेंथ कितनी दिया है, 120 सेंटीमीटर, हाइट कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया, पूछ रहा है कि इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन टू मूव वंस ओवर द लेवल ए प्ले, एक प्ले ग्राउंड है उसको लेवल करने के लिए वो 500 कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर सपोज करो ये आपका रोलर हुआ, ठीक है, तो रोलर क्या होता है, इस तरीके से मूव करेगा ऐसे। इसका मतलब जो इसका एक रिवोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा, 2πRH के बराबर होगा, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर होगा, क्योंकि रोलर जब मूव करता है तो कहीं ना कहीं वो इस टाइप का शेप, ये पूरा जो आपका दिख रहा है, ठीक है, इस तरीके से वो राउंड राउंड क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक है, इस तरीके से मूव करता है, जब ये मूव करेगा तो दैट मीन्स क्या होगा कि रोलर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया है उसके एक रिवोल्यूशन के एरिया के बराबर होगा, मीन्स एक रिवोल्यूशन में जितना वो एरिया कवर करेगा उतना ही उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ओके, तो हमारे पास क्या दे दिया है कि रेडियस दे दिया है और उसकी हाइट दे दी गई है और हमें क्या निकालना है, 2πRH निकालना है। ओके, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि टोटल एरिया कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू 2πRH, या हम यहाँ पे निकाल लें कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πRH, दिस इज इक्वल टू 2 × 22/7 इंटू आर 42 इंटू एच 120। अब यहाँ पे हम लोगों ने किया 120 कर लिया। ठीक, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 76 जा, ठीक है, 2 जगह कितना होगा 44 इंटू 72720। ठीक है, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब ये रोलर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया आया, ये मतलब एक चक्कर अगर रोलर लगाएगा, मतलब वन रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो इतना ही एरिया वो कवर करता है। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन टू लेवल द ग्राउंड इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पे 500 दिया है। सो टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन
लेवल ए ग्राउंड इक्वल टू कितना होगा 500। ठीक है, अब 500 वो रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि एरिया प्ले ग्राउंड क्या होगा, सो एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड, एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारे पास है 500 का मल्टीप्लाई उसके कॉर्ट सरफेस एरिया में कर देंगे, 500 मल्टीप्लाई बाई 31680 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए इसी में मल्टीप्लाई हमने किया है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कितना, 1584। ठीक है, 1234 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको हमें मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो क्या होता है, क्योंकि आपको ये पता है कि वन मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, या हम बात करें कि 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 × 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ये होता है। तो दैट मीन्स यहीं से निकल के आया हुआ है कि किस तरीके से हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं। तो दैट मीन्स क्या करना है आपको, इसी को हमें इससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, 100 × 100 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कट गया, आया कितना आपका 1584 मीटर स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं, हमने क्या किया है फिर से आप देख लीजिए, पहले उसका कॉर्ड सरफेस एरिया निकाला, फिर उसमें 500 को मल्टीप्लाई करती है, चूँकि बोल रहा है कि अगर 500 रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो कितनी एरिया कवर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं। ओके।